हेलो स्टूडेंट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया चैप्टर नाइन इस वीडियो में हम आपके बुक के इनसाइड क्वेश्चन जो आते हैं आपके एग्जाम में उसको हम सॉल्व करते हैं जो कि आपके सैम्पल पेपर से रिलेटेड है तो सबसे पहले आफ्टर द डेथ ऑफ राजा ऑफ वॉरियर डायनेस्टी इन सेवनटीन सिक्सटी वो बिकम द रूलर ऑफ मैसूर तो वॉरियर रूलर जो राजा था उसकी डेथ के बाद कौन बनता है मैसूर का राजा तो हैदर अली अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस अब इसको हमको सीक्वेंस में अरेंज करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हमको डेट आनी चाहिए भाई क्या पहले हुआ था तो हैदर अली गेंद कंट्रोल ओवर मद्रास इसकी डेट देखते हैं हम तो यह हैदर अली ने कब कंट्रोल किया था मद्रास को तो फर्स्ट एंग्लो वार आ, हुआ था वो 1764 सिक्सटी फोर टू सिक्सटी नाइन ठीक है इसके बाद देखते हैं टीपू सुल्तान साइन ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टम तो सेवनटीन नाइन्टी टू ये जो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन कौश, आते हैं उसके लिए तो भाई डेट को हम थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा ना और हैदर अली डाई हैदर अली की मृत्यु कब होती है तो हैदर अली की मृत्यु होती है सेवनटीन टू ड्यू टू कैंसर ठीक है और इसके बाद आता है द इंडियन प्रिंस फोर्टी सेवन तो इस कबरा जब बना भैया तो नाइनटीन फोर्टी में बना और नाइनटीन फोर्टी सेवन तक शासन किया इसने ठीक है नाइनटीन फोर्टी सेवन तक शासन किया तो आपको इस डेट को देख करके आप अरेंज कर सकते हैं द फॉलोइंग दॉरिंग पार्टीज ऑफ द बैटल ऑफ पलासी अब जब पलासी का युद्ध हो रहा था तो उसमें कौन कौन बैटल पार्टी कौन कौन सी थी तो सिराजू दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हो रहा था तो द बैटल पार्टी ऑफ प्लासी वॉज डिसीव विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर द नवाब ऑफ बंगाल एंड इन फ्रेंस एलाय ऑन ट्वेंटी थर्ड जून सेवेंटीन फिफ्टी सेवन अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव द ग्रेट एनेक्शिस्ट वॉज ग्रेट एनेक्स किसको कहा जा रहा है तो ये उसको कहा जा रहा है भाई जो ने क्या कर रहा विस्तारवादी नीति के चलते बहुत प्रसिद्ध हुआ तो वो था डलहौजी द सब्सिडरी अलायंस वॉल साइन बिटवीन द ब्रिटिश एंड द सब्सिडरी अलायंस किसके बीच साइन किया गया तो बाजीराव से री एन द फॉलोइंग इवेंट इन द करेंट करेंट सिक्वेंस इस इवेंट्स को करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है ठीक है तो इस इवेंट्स को करेक्ट सीक्वेंस में हम अरेंज करने के लिए बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ तो बैटल ऑफ बक्सर आपका हुआ 1764 में फोर में इसके बाद बैटल ऑफ पलासी 1757 एंड कनेटिक वॉर थर्ड थर्ड कनेटिक वॉर तो वो हुआ आपका 1756 में ठीक है तो इसमें हमारा फर्स्ट क्या हो गया तो जो हमारा डी ऑप्शन है फर्स्ट देन सेकेंड ऑप्शन कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल एंड थर्ड ऑप्शन सी जो है थर्ड सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड है और इसके बाद क्या हो रहा है तो इसके बाद जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका बैटल ऑफ बक्सर ठीक है तो ये इस तरह से हम इसको अरेंज करेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल के बाद आपका uh, 1756 में थर्ड कैनेटिक वॉर हो रहा है hmm. फिर बैटल ऑफ पलासीज हो रही है फिर बैटल ऑफ बक्सर हो रहा है डिफाइन दीवानी दीवानी क्या है द राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू दीवानी राइट्स नेम द ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बेंगाल वो एबॉलि गवर्नमेंट इन द ईयर 1772 तो वारन हेस्टिंग राइट टू कलेक्ट दिवानी लीड्स टू डूल गवर्नमेंट ये फिन ब्लैंक्स का पार्ट है इन बेंगाल फॉलोइंग ट्रिपल एलायस फॉर्म अगेंस्ट हैदर अली इन फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार तो ट्रिपल एलायंस जो हुआ था हैदर अली और फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में इसके बीच हुआ था द द निजाम द मराठाज एंड द इंग्लिश द निजाम द मराठाज एंड द इंग्लिश ठीक है ट्रिपल अलायंस फॉर्म अगेंस्ट हैक्टर मोनरो इन बैटल ऑफ बक्सर कासिम शाह आलम सेकंड और सुजा उदौला ट्रिपल अलायंस अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में किस किसके बीच में अलायंस था तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में द निजाम द मराठास एंड हैदर अली अलायंस ऑफ रघुनाथ राव एंड ब्रिटिश तो माधव राव सेकंड डिफाइन फैक्ट्रीज द यूरोपियन ट्रेडिंग सेंटर्स वर कॉल्ड ऑफ फैक्ट्रीज

बॉम्बे कैस्टल देखो इस तरह से आपको ब्लैंक दिया रहेगा और से, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में है फिर इन द ब्लैंक्स लॉर्ड डलहौजी द ग्रेट एंड अटैक पंजाब एंड मेड इट द पार्ट ऑफ अ ब्रिटिश इंडिया 1849 फोर्टी नाइन द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउट बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर रॉबर्ट क्लाइव एंड द आर्मी ऑफ सिराजू दौला द ब्रिटिश कॉलोनी रूल इन बंगाल प्रेसिडेंसी एंड सबसिक्वेंस एक्सपेंसन ऑफ इट्स कंट्रोल ऑवर इंडिया ऑर्ड बिकॉज ऑफ बैटल ऑफ बक्सर बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो है ब्रिटिश जो है बहुत अच्छी तरह से स्थापित हो गए थे द सेकेंड कैनेटिक व ऑकर इन सेकंड कैनेटिक वो सेवनटीन फोर्टी नाइन से फिफ्टी फोर के बीच में लॉर्ड वेल्सली बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया आरकोट वॉज द कैपिटल ऑफ कर्नाटिक कर्नाटिक वास्को डेगामा लैंडेड इन इंडिया इन 1498 नाइनटी एट कालीकट सब्सिडरी अलायंस वॉज द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ नॉट तो इसमें से सब्सिडरी अलायंस वॉज द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ नॉट अ तो इसमें से ऑप्शन पढ़ते हैं एलोइंग द एडोप्टन द थ्रोन ऑफ एडोप्टिव पेरेंट्स Dismissing the army of the Indian ruler, keeping a British residence at a court of the Indian ruler, giving military assistance to the Indian rulers in exchange of uh, payment for the army, तो ये हमें तीनों ऑप्शन जो हैं हमारे सबसे बड़े एलाइंस के अंदर में आ रहे हैं और एक लास्ट ऑप्शन है जो सबसे बड़े एलाइंस के अंदर में नहीं आ रहा है। The Sikh lost the First Anglo War 1845-46 because the प्राइम मिनिस्टर लाल सिंह एंड कमांडर तेज सिंह टर्न प्रेटर आपका ऑप्शन बी मैथ द फॉलोइंग थर्ड एंग्लो मैशूर वॉर तो थर्ड एंग्लो मैशूर वॉर ट्रिटी ऑफ श्रीरंगापट्टम फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में कौन सी ट्रीटी ट्रिटी उधरी है तो लाहौर ट्रीटी ऑफ लाहौर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में कौन सी ट्रीटी हो रही है ट्रीटी ऑफ मंगलोर एंड फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर ट्रि ट्रीटी ऑफ सालाबाई नेक्स्ट मैच तो फॉलोइंग दीवानी राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान और बैटल ऑफ पलासी बैटल ऑफ प्लासी आपकी कब हो रही है तो 1757 फिफ्टी सेवन गवर्नमेंट बंगाल थैंक्स फॉर वॉचिंग